चलिए आज की क्लास में हम लोग असाइनमेंट नंबर 4 एमएस वर्ड का जो असाइनमेंट नंबर 4 है वो करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि असाइनमेंट नंबर 4 में हमको कुछ टाइप करने के लिए बोला गया है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इन इक्वेशंस को टाइप करना है। पहला इक्वेशन ये है जो कि केमिस्ट्री का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, और सेकेंड इक्वेशन ये है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं और ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन है इसके टाइप करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? और इसको टाइप करने के लिए इंसर्ट इक्वेशन या इंसर्ट सिंबल ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको टाइप करके देखते हैं। तो मैं इसको दो विंडो में ओपन कर लेता हूं, और साइड में पहले हम इसको नॉर्मल स्क्रिप्ट में टाइप करेंगे। क्लियर है? तो नॉर्मल स्क्रिप्ट में हम इसको टाइप करके देखते हैं कि सबसे पहला है हमारा सी टू एच फाइव ओ एच प्लस पी सी एल फाइव इक्वल टू सी टू एच फाइव सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री। तो मैं यहां लिखता हूं पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल। ये मैंने टाइप कर दिया नॉर्मल स्क्रिप्ट पे। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने सबसे पहले नॉर्मल स्क्रिप्ट पे टाइप किया है। आप जब भी टाइप करेंगे तो इसको चेक कर लीजिए कि ये नॉर्मल स्क्रिप्ट पे है कि नहीं। चेक करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं दिखेगा, मतलब ये नॉर्मल स्क्रिप्ट पे है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बड़ा कर दे रहा हूं इसका। तो ये नॉर्मल स्क्रिप्ट पे आपने पहले टाइप किया है और आपको इसको इस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले जो 2 है वो सब स्क्रिप्ट में है, तो मैंने इसको 2 को सेलेक्ट किया। ध्यान देना अभी कर्सर कहां पर है, यहां पर है। तो मैं 2 को सेलेक्ट करने के लिए 2 के आगे कर्सर रखूंगा और की माउस में बटन प्रेस करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और इसको सब स्क्रिप्ट कर दिया हूं मैं। 2 के बाद 5 को सब स्क्रिप्ट करते हैं। 5 के बाद फिर ये वाला जो पी सी एल 5 है इसको सब स्क्रिप्ट करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग 2। और आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और आपको जहां जहां पर ये सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, मैंने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखा 2 5 और 3 को सेलेक्ट कर लिया और एक साथ सबको सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट नंबर 4 का पहला इक्वेशन हमने टाइप कर लिया है। क्लियर है? यहां पर हम एंटर बटन दबाते हैं, नीचे आ जाते हैं। आपको यहां पर देखना है कि ये नॉर्मल स्क्रिप्ट पे है कि नहीं है। क्लियर है? अब हम दूसरा स्क्रिप्ट, दूसरा जो इक्वेशन है टाइप करेंगे a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं a इक्वल टू पाई लिखना है हमको। पाई के लिए कीबोर्ड में कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और यहां पर सिंबल ऑप्शन दिखाई देगा आपको। क्लियर है? तो सिंबल ऑप्शन में जाएंगे, ये छोटा स्क्रीन है इसलिए यहां पर ऐसा दिख रहा है, अगर मैं स्क्रीन को बड़ा करूं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? ऑटो एडजस्ट होते हैं ये चीजें। तो इंसर्ट में इक्वेशन एडिटर के अलावा इंसर्ट सिंबल ऑप्शन भी होता है, इसके अंदर आपको पाई वाला सिंबल मिल जाएगा। यहां पर आपको ढूंढना है, अगर पाई नहीं मिलता, देखिए लास्ट में पाई दिख रहा है। क्लियर है? अगर ये नहीं मिलता तो मोर सिंबल्स में जाकर के आप ढूंढ सकते हैं। देखिए यहां पर और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। क्लियर है? तो मैं यहां पर इंसर्ट सिंबल में जाऊंगा, पाई पाई आ गया। उसके बाद मुझे लिखना है आर, ये आर लिखे स्मॉल आर है, और स्क्वायर लिखना है तो 2 लिखे यहां पर, और इसको हमको सब स्क्रिप्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है। देखिए ये इक्वेशन लिखा गया a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको बड़ा कर दिया है मैंने। तो ये जो पाई लिखा है इसके लिए हमने यूज किया इंसर्ट में सिंबल ऑप्शन। अब सिंबल में देख सकते हैं और भी सिंबल्स हैं, और इसको यूज करने, ऐसा करने के लिए क्या यूज किया, सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर है? अगला देखिए, अब मैं एंटर कर रहा हूं तो हमको यहां पर देखना है कि पहले से ये सुपर स्क्रिप्ट में है। तो इसको पहले नॉर्मल स्क्रिप्ट में कर लेते हैं, हम इसमें क्लिक करेंगे, अब नॉर्मल स्क्रिप्ट में आ गया। क्लियर है?
यही वाली गलती जो है वो कई लोग कर देते हैं कि पहले से सुपर स्क्रिप्ट में रहता है, टाइप करने के बाद दोबारा जब सुपर स्क्रिप्ट में करते हैं तो वो नॉर्मल स्क्रिप्ट में हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पर पहले चेक कर लेना है, जब आप एंटर करोगे तो चेक कर लेना है कि ये नॉर्मल स्क्रिप्ट में है कि नहीं है। क्लियर है? अब हमको तीसरा इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। देखिए तीसरा इक्वेशन क्या लिखा है, ए डिवाइड बाई, डिवाइड का सिंबल है, बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं स्मॉल ए, डिवाइड का सिंबल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कीबोर्ड में, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, सिंबल में जाना है, यहां पर आपको डिवाइड मिलेगा, ये है। क्लियर है? अगर यहां पर नहीं मिलता है तो इसमें जाना है, तो हमको ये डिवाइड मिल गया, उसके बाद लिखा हुआ है बी, और उसके बाद लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू लिख करके काटा गया है, इसको मतलब होता है नॉट इक्वल टू। क्लियर है? तो ये इक्वल टू लिखने के लिए तो कीबोर्ड में है, नॉट इक्वल टू लिखने के लिए कीबोर्ड में ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमको फिर से सिंबल में जाना पड़ेगा, और नॉट इक्वल टू आपको मिल रहा है यहां पर, दिख रहा है, और उसके बाद हमको लिखना होगा जीरो। तो इस तरीके से हमने असाइनमेंट नंबर 4 के तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है, और इसको सॉल्व करने के लिए एमएस वर्ड में हमने सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट और सिंबल ऑप्शन का यूज किया। ये असाइनमेंट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सिंबल को की प्रैक्टिस कर लें। तो अब आपको ये असाइनमेंट नंबर 4 बना करके देखना है।